तीसरा बोला मुझे डॉक्टर बनना है, टर 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 करते रहते, टर बनना है टर डॉक्टर। 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए, कल क्या समाचार है? अपने आप को ही नहीं बचा पाई वो कैसी डॉक्टर? तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को बुलाया और ये इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, ये गुफाओं की औलाद। इसने वहां बोला कि भाइयों और बहनों, जितने भी भारत में अभी तक लोग मरे हैं कोरोना के नाम पर, उसमें हमारी सरकार का कोई दोष नहीं। जो लोग कह रहे हैं सरकार ऑक्सीजन नहीं दे पाई, वो कोई भी बंदा ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा, वो तमाम के तमाम बंदे जितने मरे हैं वो डॉक्टरों ने मारे हैं, वो सरकारी हॉस्पिटल वालों ने मारे हैं। अब लोग परेशान कैसे मारे हैं? तो ये हराम देव बाबा पूरा वेरीफाई करता है, ये बोलता है कि आपको जो एलोपैथिक दवा दी जाती है ना, यही तमाम बीमारियों की जड़ है। यानी जो भारत, जो दुनिया तमाम की तमाम इस वक्त एलोपैथी पे टिकी हुई है, इसने एलोपैथी की ही दज्जियां बखेर दी, एलोपैथी का ही बिजनेस ये बंद करने लग गया। इसने सोचा मेरी मुतांजलि तो है, लोगों को मैं मूत्रो नील पिलाऊंगा, ये नील खिलाऊंगा, वो नील पिलाऊंगा। लेकिन आपको इसने शायद ये नहीं बताया कि मुतांजलि का जो CEO है वो भी अभी कोरोना से मर गया है। जब तेरे पास मूत्रो नील थी, जब तेरे पास तेरी दवाएं थी, तो तेरे CEO को तूने वो क्यों नहीं खिलाई? वो कैसे कोविड से मर गया? सवाल बनता है, आप जनता हैं, आपको जरूर उससे पूछना चाहिए जो आपने नहीं पूछा। तो जब इसने डॉक्टरों को एलिगेट करा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुंह भर भर के भारत के डॉक्टरों को, इंटरनेशनल डॉक्टरों को इसने लताड़ा और इसने गालियां दी और कहा तमाम का तमाम जो भारत में लोग मरे हैं वो तमाम डॉक्टरों की लापरवाही से, एलोपैथिक से मरे हैं। यानी सीधा का सीधा इसने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को एलिगेट करा, उन पर इल्ज़ाम लगाया और अब ये हाल है, तमाम लोग इसके खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं। एक पूरा का पूरा सोशल मीडिया पर कंपेन चल रहा है कि इस लाला रामदेव को पकड़कर जेल में डाला जाए। अब लाला रामदेव तो लाला रामदेव हैं, लाला रामदेव जो कभी अनाथ होते थे, कभी लावारिस होते थे, ये पौने दो आंख वाले नपुंसक आदमी जिनके ऊपर कभी किसी का हाथ ही नहीं था। और आपको याद होगा वो दिन, भारत का बच्चा बच्चा जानता है, जब एक दफा ये राम रीला ग्राउंड में बकवासे कर रहे थे, अपने कर्तव्य दिखा रहे थे, तो दिल्ली पुलिस के कुछ नौजवान जब राम रीला मैदान में घुस जाते हैं तो इस पौने दो आंख वाले बाबा की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वहां वो बहनों से बोलता है, अरे कोई बहन है जो मुझे बचा सकती है? उसका शलवार कमीज पहनता है, दुपट्टा ओढ़ के, घूंघट निकाल के, जना चाल में चूड़ियां पहनकर ये रामलीला ग्राउंड से फरार हो जाता है ताकि इसको पुलिस ना पकड़े, क्योंकि उस वक्त सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी। अब सरकार किसकी है? इनके आकाओं की। इनके तमाम धर्म गुरु इनके साथ खड़े हो गए, तमाम गुफा वाले बाबाओं ने कहा ओ नाजायज हराम देव, हम तेरे बाप हैं। जितने भी 101 गुफा वाले बाबा हैं वो तमाम के तमाम इस होड़ में लग गए कि हराम देव का बाप कौन बनता है। अब हराम देव एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और कहता है, किसी के बाप में हिम्मत है जो मुझे पकड़ ले, जो मुझे गिरफ्तार कर ले? बिल्कुल सही कहा हराम देव आपने, तुझे तो कोई गिरफ्तार कर ही नहीं सकता, क्योंकि जब तू अनाथ था, लावारिस था, नपुंसक था, उस वक्त तो तुझे दिल्ली पुलिस ने पकड़ लेने की कोशिश करी थी, तू शलवार लेके भाग गया था। अब हुकूमत तेरी है, पता नहीं कौन से गुफा वाले बाबाओं ने तेरे ऊपर हाथ रख दिया, तेरे इतने सारे बाप बन गए, तो इसलिए तू खुल्लम खुल्ला कह रहा है कि कोई FIR मेरे ऊपर नहीं हो सकती। और आप यकीन करिए, अगर ये वाला स्टेटमेंट अगर कोई उर्दू नेम कोई मुसलमान दे देता कि भारत में जितनी भी मौतें हुई हैं उसके पीछे जो कत्ल करा गया है वो डॉक्टरों ने कराया या एलोपैथिक ने कराया, आप यकीन करिए कि तमाम के तमाम वो मुस्लिम फैमिली, उसका पूरा इलाका, उसकी कम्युनिटी को ये जेलों में भर देते, UAPA NSA देशद्रोही के मुकदमे लगा लगा के उसके तार अलकायदा से, पाकिस्तान से, ईरान से, तुरान से, टर्की से, पता नहीं कहां कहां
यहाँ से फिट करके 60-70 साल के लिए उसको जेलों में भर दिया जाता। ये है मेरा डिजिटल भारत, यानी जिस देश का प्रधानमंत्री पप्पू प्रधान बन जाए वहां पर पप्पू भक्त ऐसे ही फिरेंगे और ऐसे ही आपको बदनाम करेंगे। और ऐसी पप्पू है ना, पप्पू कांट डांस साला, ना इनको डांस आता ना इनको अकल आती। जहां पर इनके मुजरे शुरू हुए, जहां पप्पू प्रधान ने इनको कोई नोटिस दिया, ये तमाम के तमाम पप्पू भक्त आ जाते हैं और उसको बहुत ज्यादा सर्कुलेट करते हैं। और यही वजह है कि ये हरामदेव बाबा के पक्ष में सारे आ गए। मजे की बात ये है, हरियाणा में खट्टर सरकार जो हमेशा किसानों के विरोधी रही, जो हमेशा वहाँ के लोगों के विरोधी रही, उसने तो यहाँ तक कह डाला कि हम मूत्रोनील फ्री में बांटेंगे, आप एलोपैथिक से इलाज मत करवाइए। हरियाणा सरकार ने हरामदेव बाबा की मेडिसिन खरीद के हरियाणा में पप्पू भक्तों को फ्री में मूत्रोनील बांटनी शुरू कर दी कि मूत्रोनील खाओ और अपना जो कोविड है दूर भगाओ। जबकि एक सर्वे यहाँ तक आ रहा है कि भारत में जो मरने वालों का रेशियो है, वहाँ पप्पू भक्त ज़्यादा मरे हैं। वो पप्पू भक्त ज़्यादा मरे हैं जिन्होंने तरह तरह के वेरियंट के मूत्रों को अपने मूत्रों कोला पीकर उन्होंने अपनी सेहत को ख़राब करा, जहाँ उन्होंने गोबर टैबलेट खाई, गोबर पान करा, तो वो लोग ज़्यादा इस बीमारी की चपेट में आए, उनके अंदर तरह तरह के वायरस पनपे। लेकिन नहीं भाई, ये तो इनको पता है कि पप्पू भक्त हमारे बिल्कुल पागल होते हैं, बस हमने उनको एक चुग्गा देना होता है, वो सारे के सारे भीड़ तलकीद में आते हैं और हमारे पीछे लग जाते हैं। जिस रामदेव के पास कोई डिग्री नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, आज वो भारत का हरामदेव बाबा बिल गेट्स बन के बैठा है। ये खुद ही डॉक्टर बन जाता है, खुद ही इंजीनियर बन जाता है, खुद ही साइंटिस्ट बन जाता है, खुद ही पूरी की पूरी मेडिकल टीम बन जाता है, खुद ही डॉक्टर बन जाता है, खुद ही योगा गुरु बन जाता है और खुद ही पता नहीं अल्लम गल्लम सल्लम वल्लम क्या क्या बन जाता है। और इस वक्त ये ट्रोल हो रहा है कि इसको डॉक्टर जो हैं इस पे केस करने को कह रहे हैं, और करना चाहिए। तमाम डॉक्टरों की ये बेइज्जती करी गई है, डॉक्टरों को इसके ऊपर केस फाइल करना चाहिए कि जो मेरे डॉक्टर भाई, जो कोरोना वॉरियर अपनी जिंदगी को दांव पे लगाकर भारत की इंसानियत को बचा रहे हैं, भारत की आवाम को बचा रहे हैं, भारत के लोगों को बचा रहे हैं, वहां पर ये बाबा हरामदेव उनको गाली दे रहा है, उनको बदनाम कर रहा है और तमाम ठीकरा सरकार पे से उतार के तमाम की तमाम गाज ये डॉक्टरों पर गिरा रहा है, ताकि बीजेपी सरकार यानी पप्पू प्रधान देश जो है वो बिल्कुल चंगा मंगा हो जाए और ये कहे कि देखो हमारा पप्पू मोदी जो है उसने कुछ नहीं करा। इस वक्त भारत का जो प्रधान है वो असल में सही मायने में पप्पू मोदी है, जिन्होंने पूरे भारत को पप्पू बनाकर बर्बाद कर दिया, जॉब्स खत्म कर दी, आपके कारोबार खत्म कर दिया, आपके बंदे खत्म कर दिए, आपकी LIC खत्म कर दी, आपकी एजुकेशन खत्म कर दी, आपके एयरपोर्ट खत्म कर दिए, आपकी मेट्रो खत्म कर दी, आपके पता नहीं बैंक्स खत्म कर दिए, ना मालूम कहां कहां जाकर आपके पप्पू ने, पप्पू प्रधान देश ने और इनके पप्पू भक्तों ने पूरे भारत को पप्पू बनाकर बर्बाद कर दिया है। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भजन हलचल न्यूज़।